लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सातवें चरण में होने वाले मतदान में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों का मतदान पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में 9 मई से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया 15 मई तक चलेगी। गुरुवार को गोरखपुर सदर और बांसगांव लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए मतदान कार्मिकों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें मतदान कार्मिकों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना मतदान किया। इस दौरान SDM सदर प्रथमेश कुमार, SDM सहजन व सरनीत कौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सहजन व सरनीत कौर ने कहा, ले लो भाई, बैठ जाओ, एक रजिस्टर ले लो। हाँ, मंगा दे रहा हूँ। अभी तक नहीं हुआ। गोरखपुर के बाहर के हो, बांस गाँव के हो, तो आप 12 दोगे, ठीक है? तो ये इसमें अभी फिर मत डलवाएंगे सीधे यहीं पे, जो 12 वाले हैं समझ गए, वो पोस्टल बैलेट से डालेंगे। अभी जितने आए सब गोरखपुर के आए, पहले फर्क पड़ा था, ड्यूटी कार्ड वाला अगर मिलल बा देखेंगे, बिल्कुल देखिए। हाँ एकदम भैया, एकदम लगा था, बहुत मोटा बजा इतना ना जा, ठीक है भैया, देखिए यहाँ पे फॉर्म, इनको फॉर्म 12 भरना है, 12 भर के हम सत्यापित करेंगे उनका मतदाता सूची से। सत्यापित होने के बाद इनको 12 ख जारी हो जाएगा, जिससे वो जहाँ पे भी लगे हैं वहाँ पे वोट दे सकते हैं। जिस भी पोलिंग स्टेशन के पास उनकी ड्यूटी है, पोलिंग स्टेशन में उनकी ड्यूटी है, वहाँ वो वोट दे सकते हैं। हाँ, वहाँ पे अगर वो 64 गोरखपुर के मतदाता है, अगर वो 64 गोरखपुर के नहीं है, अन्य किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, तो उनको पोस्टल बैलेट डलवाया जाएगा, जो कि यहाँ पे डलवाया भी जा रहा है कुछ जगह। हाँ।